नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। बिहार का ट्रिपल मर्डर केस इन दिनों सुर्खियों में है। कल इस घटना को अंजाम दिया गया जब एक शख्स अपनी बेटी और अपनी पूर्व पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है और फिर खुद भी गोली मार लेता है। और जब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बाद सब हैरान रह गए इसे देखकर के कि आखिर वो शख्स क्यों अपनी बेटी और अपनी पत्नी की हत्या करता है और उसके साथ में उनकी सास भी होती है, लेकिन वो सास को कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपनी बेटी और अपनी पत्नी को गोली मार देता है और उसके बाद खुद भी गोली मार लेता है। तीन लाशें एक साथ बिछ जाती हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों वो शख्स अपनी बेटी को अपने हाथों से मारा? आखिर क्यों वो शख्स अपने हाथों से अपनी पूर्व पत्नी की हत्या किया? उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या वजह थी जिस वजह से उस शख्स ने एक साथ दो मौतें कर दी और फिर खुद भी गोली मार लिया। दरअसल जानकारी के मुताबिक राजीव अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बेटी सारा जाने के लिए तैयार नहीं थी। बेटी का आरोप था कि पिता उसको प्रताड़ित करते हैं और वो उनके साथ नहीं रहना चाहती है। बेटी के साथ नहीं जाने के कारण ही राजीव का तलाकशुदा पत्नी और बेटी सारा से झगड़ा होता रहता था। बार बार कहने के बावजूद जब बेटी बाप के साथ जाने को तैयार नहीं हुई तो पिता ने इन लोगों को मारने का प्लान बना लिया। राजीव ने शातिराना अंदाज में अपनी तलाकशुदा पत्नी प्रियंका के मायके बेगूसराय से आने की जानकारी ली, फिर उसका पीछा किया। जैसे ही मां बेटी पुलिस कॉलोनी के मोड़ से पैदल चलकर अपने किराए के मकान में जाने लगी, घात लगाया बैठा राजीव उनके सामने आ गया और कुछ कहा सुनी के बाद देखते ही देखते वहां तीन लाशें बिछ गई। सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा जा सकता है कि राजीव कुमार ने अपनी बेटी सारा भारती को उनके साथ चलने को कहा, लेकिन बेटी पिता के साथ नहीं जाकर अपने मकान की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद शख्स राजीव कुमार ने अपने पास रखे पिस्टल निकाल ली, जिसे देख बेटी ने पिता को मारने के लिए सड़क से ईंट उठा लिया। हालांकि इसके चंद सेकंड बाद ही राजीव ने सबसे पहले अपनी बेटी को गोली मारी। भांजी को मरता देख प्रियंका भारती भी राजीव से भिड़ गई। तब राजीव ने प्रियंका को भी गोली मार दी। बेटी और नतनी की हत्या देख वृद्ध महिला शशि प्रभा भी गिर पड़ी और रोने लगी। इधर राजीव ने भी पिस्टल अपनी कनपट्टी पर सटाकर खुद खुशी कर ली। आपको ये भी बता दें कि आखिर पत्नी को मारने के पीछे वजह क्या थी। दरअसल उनकी जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया, जिसके बाद राजीव ने अपनी ही साली से शादी रचा ली और शादी के बाद इन दोनों के बीच अनबन होने लगी, झगड़े होने लगे, जिसके बाद उनकी पत्नी ने तलाक ले लिया। यानी कि जो उनकी साली थी, जो पत्नी दूसरी पत्नी बनी, उसने तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद वो किसी और शख्स से शादी कर ली और उसके बाद सब कोई साथ में रहते थे और यही बात राजीव को पसंद नहीं थी। राजीव अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता था और उसकी बेटी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। बेटी के आरोप भी थे कि वो उसे प्रताड़ित करता था और इसी सब को लेकर के राजीव ने ये साजिश रची और साजिश के तहत उन अपनी बेटी और अपनी पूर्व पत्नी की हत्या कर दी है। रोड है जो है, ये रोड जाती है सीधे जा करके मेन रोड पर मिलती है। आप फुलवाड़ी से दानापुर से आ रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तो आपको मेन रोड पर जाने के बाद आपको वहीं से सवारी मिलेगी। कल प्रियंका भारद्वाज अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ कल वहीं बेगूसराय से निकल करके वहाँ टेम्पू से वो उतरी है और इसी रोड से वो आ रही थी। ये रोड देख रहे हैं आप, इस रोड से, अब हम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रोड से आ रही थी और आने के बाद ये यहाँ मोड़ है उसके घर का, ये देखिए ये मोड़ है और ये आईपीएस अधिकारी हैं, उनका मकान है जो इस कॉलोनी में सभी आईपीएस का मकान है। ये रोड है, अब देखिए यहाँ रोड है, ये वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ी है ये वही जगह है, यहीं पे तीनों को, यहाँ राजेश यहाँ खड़ा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए राजेश यहाँ खड़ा था, इसने जैसे देखा तो राजेश उसके पीछे हो गया और उसके साथ आया। आने के बाद उसे रोका, रोकने के बाद उससे पूछा कि तुम रुको, वो नहीं रुक पाई, उसने ईंटा उठाने की कोशिश की, वही ईंटा है जिसको
कह सकते हैं उठाने की कोशिश की। देखिए ये बलट के निशान आज भी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये ईंटा जो है इसे उठाने की कोशिश कर रही थी प्रियंका भारद्वाज, उसने उठाया भी। इसी दौरान राजेश यहाँ खड़ा था, ये मैं दिखा रहा हूँ, राजेश यहाँ खड़ा था और राजेश ने कहा अपनी बेटी से, जो उसकी पहली पत्नी का बेटी जो प्रियंका भारद्वाज की बड़ी बहन थी, तुम्हें मरना होगा। उसने कहा कि नहीं। सबसे पहले राजेश ने उस लड़की सारा को गोली मारा। सारा को जैसे ही गोली लगा, इसी जगह पर सारा गिर गई। ये देखिए चश्मा अभी भी है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये चश्मा जो है ये प्रियंका भारद्वाज का चश्मा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वो वहाँ गिर गई। उसके बाद जैसे ही प्रियंका भारद्वाज राजेश की तरफ जाती है, बस राजेश सीधे फायरिंग कर देता है प्रियंका भारद्वाज पर। प्रियंका भारद्वाज यहीं गिर जाती है। ये चप्पल जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा की चप्पल है जो उसकी बेटी थी, उसका चप्पल है। और ये जो चश्मा है ये प्रियंका भारद्वाज का चश्मा, आज भी वो चश्मा वैसे ही पड़ा हुआ है। गिर जाती है। उसके बाद राजेश यहाँ से यहाँ आता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ आने के बाद राजेश सीधे तौर पर आने के बाद राजेश इस रिवाल्वर को ऐसे करता है और करने के बाद मारता है और राजेश यहाँ गिर जाता है। ये कि हम खराब है, चाबी दिया लगलिए एक हमारे तो दिमाग ऐसे करते चाबी दिल बढ़िया लगे कल जो तो चाबी खोले दरवाजा और नहीं जाए दिल के आगे घेर लगे। घेरला के बाद कहल के बेटा नहीं कुछ बोल रहे बेटी। हाँ एक बार कल के मरने के लिए तैयार हो, कुछ नहीं बोल रहे फिर अपने निकाल कर ओकरा। ये हम पहले के ग्राम की बेटी है, बेटी एक बार हमारा बेटी। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है, मौके पर पुलिस भी पहुंची। अफरा तफरी का माहौल उस वक्त ज़रूर बन गया था क्योंकि ये सारी जो फुटेज सामने आई है सीसीटीवी कैमरे से सामने आई है उस वक्त। हालांकि जिस वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ वो तीन जो उसकी पूर्व पत्नी है और बेटी और उनकी सास मौजूद थी और वो शख्स वहाँ पर मौजूद था जिसने दोनों की गोली मार के हत्या कर दी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। आप हमें Twitter हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।